गुड मॉर्निंग क्लास क्लासिक्स वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास वी आर कंटिन्यूइंग विद टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चरल इकनॉमी विच इज़ ऑन पेज नंबर फिफ्टी सेवन देखिए बच्चों आयरन की जब डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई अब बहुत बड़ा एरिया क्लियर किया जा सकता था कल्टिवेशन के लिए और आयरन से बने हुए टूल्स की वजह से एग्रीकल्चर भी um, काफ़ी एडवांस्ड हो गया था प्रोडक्शन अब अब बढ़ गया था विद द ग्रोथ ऑफ़ टाउन्स एंड सिटीज़ और टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ uh, के साथ नए प्रोफेशंस जैसे वीविंग स्पिनिंग एंड डिफरेंट क्राफ्ट्स भी अब लोग अपनाने लगे थे और इस पीरियड के दौरान जो व्यापार था वो भी डेवलप हो रहा था और लोगों की सामाजिक आर्थिक जो कंडीशन थी वो भी अच्छी हो रही थी लोगों का नज़रिया भी बदल रहा था कि जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बहुत सारे जो रिचुअल्स मतलब बढ़ा दिए थे वो उनको अननेसेसरी लग रहे थे गैर ज़रूरी थे उनके लिए ये वो समझने लगे थे लैंग्वेज ऑल रिचुअल हाइड्स एंड मिन मंत्र तो जितने भी मंत्र और जो रिचुअल्स थे है न वो सभी संस्कृत में थे विच पॉज जो केवल ब्राह्मणों के द्वारा समझे जा सकते थे इसीलिए हर रिलीजियस फंक्शंस पर ब्राह्मणों का होना ज़रूरी था द न्यू रिलीजन्स डेट इमर्ज ड्यूरिंग द पीरियड वर प्रीड इन पाली एंड प्राकृत और जो नए रिलीजियंस इस पीरियड के दौरान जो उभर कर आए थे वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज में थे जो कि सामान्य लोगों की भाषाएं थीं और लोग इनको आसानी से समझ पाते थे और इसीलिए लोगों के द्वारा नए रिलीजियंस को नए धर्मों को फॉलो किया जाने लगा था जो इस पीरियड के दौरान डेवलप हुए थे जैनिज्म जैनिज्म जो है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म है जो कि सिक्स सेंचुरी के दौरान ओरिजिनेट हुआ था द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म और जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को जैन्स बोला जाता है टर्म डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जिना मीन्स कॉन्करर तो और ये जो संस्कृत से शब्द निकला है जिन जिसका मतलब होता है कॉन्करर मतलब जीतने वाला जिन्ह वॉज अ पर्सन हुड अचीव एनलाइटमेंट बाई काउंकरिंग एंगर तो जिन वो व्यक्ति होता है जिसने मतलब जिसने अपने एंगर पर ईर्षा, द्वेष अपने स्वार्थ अपने घमंड पर जीत पाली हो किसकी हेल्प से अपने मेडिकेश मेडिटेशन मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाकर कर और सेल्फ अवेयरनेस अपने आप को जान कर जिसने इन सारी चीज़ों पर जीत पाई हो और जिन इज ऑल्सो लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ और जो जन्म मरण का साइकिल है उससे भी ये अपने आप को आज़ाद कर लेता है जिन कैन बी ट्रेस टू द ट्वेंटी फोर तिरंक हु हैड अचीव एनलाइटमेंट एंड शोर द पार्ट टू अदर्स और जैन धर्म जो है उनके चौबीस तीर्थ तीर्थंकर होते हैं जो इनके गुरु हैं चौबीस उन्होंने ये पाथ फॉलो किया और अपने आप को अपने आप को सारी ये जीवन मरण की सर्कल से मुक्त कर चुके थे जो उन्होंने ही जैन धर्म का रास्ता और लोगों को दिखाया ऋषभनाथ वॉज अ फर्स्ट तीर्थकर तो ऋषभनाथ पहले थे और वर्धमान महावीर ट्वेंटी फोर्थ जो कि लास्ट तीर्थंकर थे जैन धर्म में और ये जो ऋषभनाथ थे और अरिष्ट नेमी है इनका ऋग्वेद में भी नामांकन है नाम है वहाँ पे भी इनको आ, बताया गया है वर्धमान महावीर वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन फाइव नाइन्टी नाइन बी सी ई एट अ विलेज कॉल कुंद ग्राम है ना तो महावीर वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था फाइव नाइन्टी नाइन बी सी ई में बिफोर क्राइस्टरा और गांव का नाम था कुंद ग्राम जो कि वैशाली बिहार के पास है हिज बर्थ प्लेस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज प्रेजेंट डे वसर्ग इन द वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार और ये क्षत्रिय थे जन से और इनके फादर सिद्धार्थ जो हैं वो वॉज अ चीफ ऑफ द वो जनात्रिका क्लैंड से थे और इनकी जो माँ हैं त्रिशला वो लिच्छबी प्रिंसेस थी और अर्ली एज में ही इनकी शादी यशोदा विद होम ही हैड वन डॉटर और जिनसे इनकी एक बेटी थी और थर्टी इयर्स के होते ही हिले टिल द एज ऑफ तीस साल तक की एज तक इन्होंने एक फैमिली मैन की तरह अपनी लाइफ जी और उसके बाद ये एक संत के रूप में अपने आप को चेंज कर लिया इन्होंने वर्धमान महावीर वेंटर फॉर ट्वेल्व इयर्स तो वर्धमान महावीर जो हैं वो इधर उधर घूमे बारह साल तक और बयालीस साल की एज में इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और जिसके बाद ये जिना बन गए दैट इज द ट्वेंटी फोर तिर तीर्थंकर ही वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ महावीर और द ग्रेट हीरो और इसके बाद ही ये चौबीसवें तीर्थंकर बनने के बाद इनको टाइटल भी दिया गया महावीर जिसे ग्रेट हीरो भी बोलते हैं और इन्होंने अपनी बाकी की सारी लाइफ एक धार्मिक गुरु के रूप में बिताई और इन्होंने जैन धर्म के जो सिद्धांत थे जो टीचिंग्स थी वो लोगों को समझाई और सेवेंटी टू ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई फाइव ट्वेंटी सेवन बी सी ई में पावापुरी नीर राजग्रह के पास महावीर की जो टीचिंग थी वर्धमान महावीर डिड नॉट बिलीव इन द मेथड ऑफ द वैदिक रिलीजन तो ये जो धार्मिक कर्मकांड होते थे ये इन पर विश्वास नहीं करते थे इनको एकदम सादा सरल जीवन पर विश्वास था दैट इज फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल मतलब इनका जो टीचिंग था उसमें ये था कि बस लोगों को जन्म मरण के जो साइकिल है उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए और महावीर जी की जो टीचिंग्स थी uh, इनको थ्री ज्वेल्स थ्री ज्वेल्स के नाम से भी जाना जाता है एंड जिसमें शामिल है राइट फेथ राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट महावीर एक्सप्लेन द राइट कंडक्ट कैन बी अचीव बाय टेकिंग फाइव वोस पांच अगर हम प्रतिज्ञाएं लें तो उससे हम सही रास्ते पर चल सकते हैं जो कि हैं अहिंसा सत्य नॉट टू स्टील चोरी नहीं करना नॉट टू पजिस मटेरियल गुड्स किसी भी चीज पर अपना अधिकार नहीं जमाना ऑब्जर्व ब्रह्मचर्या और ब्रह्मचर्य का पालन करना जिसे सेलिबेसी बोलते हैं स्प्रेड ऑफ जेनज इस पीरियड के दौरान genus, जैन धर्म जो है स्प्रेड हो रहा था द सिंपल टीचिंग एंड द फेक्ट वेलकम ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट मेड जेनज पॉपुलर रिलीजन और इसके अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं था इसीलिए जनरल लोगों में बहुत फेमस था बहुत पॉपुलर हो रहा था और बहुत ही कम समय में जैन धर्म बहुत सारी जगहों पर अब स्प्रेड हो गया था जैसे विदेह मगध कोसल अंगा कुसाम्बी कलिंगा मथुरा उज्जैन है ना और इसका पॉपुलैरिटी का दूसरा लैंग्वेज था कि दूसरा एस्पेक्ट था क्योंकि यहाँ पर जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी जो कि जनरल लोगों की लैंग्वेज थी कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी जो इजीली वो समझ पाते थे इसीलिए भी लोगों के बीच में ये काफी पॉपुलर था डैन इज ऑल्सो फ्रॉम रॉयल पेट्रोनेज पेट्रोनेज का मीनिंग देखो बच्चों सपोर्ट अ कॉज और इंस्टीट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन और फंडिंग है ना तो सपोर्ट अ कॉज और इंस्टीट्यूशन मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन प्रमोशन के लिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को या कॉज को सपोर्ट करना या उसकी फंडिंग करना ये होता है पैट्रोनेज द मगधन रूलर्स बिम्बसारा एंड अजातशत्रु सपोर्टेड जैनस और जो मगध के रूलर थे बिम्बिसार और अजातशत्रु शत्रु उन्होंने भी जैन धर्म को सपोर्ट किया बिसाइड्स रूलर्स और रूलर्स के अलावा जैन्स ऑल्सो रिसीव पैटर्नेज मतलब इनको फंडिंग मिलती थी कहाँ से बहुत धनी लोगों से भी विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द ह्यूज टेम्पल्स जिसका सबूत ये है कि बहुत बड़े बड़े और भव्य मंदिर जैन लोगों के बने हुए हैं दिलवारा टेम्पल एंड माउंट आबू है ना द हती सिंह टेम्पल इन गुजरात एंड आदिनाथ टेम्पल इन राजस्थान तो ये टेम्पल्स वो हैं जो बहुत ही भव्य मंदिर हैं बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं और जो दिखाते हैं कि ये जो जैन धर्म था उसको फंडिंग मिलती थी रॉयल लोगों से और बहुत ही रिच लोगों से इनिशियली द टीचिंग ऑफ जैनिज्म वर कंडक्टेड ओरली शुरुआती तौर पर जैन लोग ओरली uh, इनको टीचिंग्स मिलती थी और उसके बाद इनकी जो टीचिंग्स हैं वो रिटर्न फॉर्म में आई

Although quite a popular religion in India, it did not expand as much as lekin ye tha, lekin Buddhist, tha, Buddhism. लेकिन ये काफ़ी popular था लेकिन बुद्ध जो धर्म था Buddhism की तरह ये expand नहीं हो पाया After Mahavir passed, जैन split into two sects. सेक्स और महावीर की मृत्यु के बाद ये जो धर्म है दो भागों में बढ़ गया दिगम्बराज एंड श्वेताम्बराज रिजल्टिंग From the disagreement among the Jain Sangh, क्योंकि ये दो जो थे श्वेतांबर और दिगंबर एक दूसरे से सहमत नहीं थे इसलिए दो पार्ट्स में बांट दिया गया और दिगंबर्स और स्काई क्लैट डिस्कार डेड ओल्ड क्लोथिंग वेल द श्वेताम्बर्स प्रिफर्ड वेयरिंग वाइट गार्मेंट्स तो श्वेतांबर लोग जो थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्रों को चुना और दिगंबर लोग जो थे उन्होंने सभी वस्त्रों को त्याग दिया तो गौतम बुद्ध एंड बुद्ध तो बुद्ध धर्म जो था वो केवल इंडिया तक सीमित नहीं था ये काफ़ी वर्ल्ड के पार्ट्स में भी फैला एशिया में कई कंट्रीज़ में इनको फॉलो किया जा रहा था और जो तक्षशिला और नालंदा हैं इसके ग्रेट बहुत बड़े सेंटर्स थे इसकी लर्निंग के गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध जो हैं 563 BCE में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे नेपाल जो कि प्रेजेंटली नेपाल में है और इनका ही वॉज बॉर्न ए सिद्धार्थ इनका जन्म का नाम सिद्धार्थ था टू द शाक्य चीफ शुद्धोधना और ये शुद्धोधना के पुत्र थे एंड माया देवी इनकी माँ थी और इनकी माँ का जो देहांत है वो काफ़ी जल्दी ही हो गया था इनकी बर्थ के बाद काफ़ी जल्दी हो गया एंड ही वॉज रेज बाय आंट एंड स्टेप मदर और इनको इनकी एक आंट और स्टेप मदर जिनका नाम था प्रजापति गौतमी इन्होंने इनका पालन पोषण किया और 16 साल की उम्र में इनका विवाह यशोधरा से हो गया जिससे इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था और बहुत अर्ली एज में सिद्धार्थ जो है मैडी और रिलीजियन की तरफ इनका काफ़ी इंटरेस्ट था इनफैक्ट इट वॉज़ प्रडिक्टेड बाई अ वाइस मैन और इनके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये एक बहुत बड़े धार्मिक लीडर बनेंगे और इस चीज़ को रोकने के लिए जो इनके पिताजी हैं इनको हमेशा किसी भी दुख से दूर रखते थे और जो लग्जरी मतलब जितना भी ऐशो आराम इनको दिया जा सकता था बहुत ज़्यादा इनको ऐसी वातावरण में रखा जाता था फोर ग्रेट साइंस डिस्पाइट ग्रोइंग अप इन द लैप ऑफ लग्जरी सिद्धार्थ व स्परिचुअली इनक्लाइन लेकिन सब कुछ होते हुए भी जो सिद्धार्थ जो थे वो धर्म की तरफ आकर्षित होते रहते थे एक बार इन्होंने एक रथ को चला एक बार ये रथ पर जा रहे थे और इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा एक लाश को देखा और एक संत को देखा द फर्स्ट थ्री साइंस डिस्टर्ब सिद्धार्थ ये जो पहले तीन जो दृश्य थे उनसे सिद्धार्थ जो हैं दुखी हो गए थे लोगों के सफरिंग से दुखों के दुखों से दुखी हो गए लेकिन संत को देखकर उनके म, मन में पीस आया उनको शांति मिली जो संत थे उनके चेहरे पर एकदम शांति थी किसी भी तरीके का कोई सैडनेस नहीं था वो देख रहे थे कि संत के पास घर नहीं है खाने के लिए या रहने के लिए कोई चीज नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश है और ये चारों साइड्स जो हैं इन्हें फोर ग्रेट साइंस माना जाता है और इसी चीज़ से प्रभावित होकर जो सिद्धार्थ है उनके मन में ट्वेंटी नाइन की एज में अभी अपने आप को जानना चाहते थे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे पीस इनके दिमाग में जो हर समय धर्म की ओर आकर्षण था और ये जन्म मरण की ये सारी चीज़ें इन सबसे लोगों को कैसे ये बचा सकते हैं इस सब को देखते हुए सिद्धार्थ जो हैं वो फिर ट्वेंटी नाइन ईयर्स की एज में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और नेक्स्ट सिक्स ईयर्स में सिद्धार्थ जो हैं वो घूमते रहे ईटिंग फ्रूगली फास्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कुछ खाने को मिल गया तो खा लिया नहीं तो फास्ट किया व्रत किया डिस्पाइट बेयरिंग सच फिजिकल सफरिंग ही डिड नॉट फाइंड द आंसर्स ही वॉज लुकिंग फॉर लेकिन ये सब करने के बाद भी उन्हें जो उत्तर ये तलाश रहे थे वो इन्हें नहीं मिले इन गया सिद्धार्थ सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री और सिद्धार्थ जो हैं गया नाम की जगह पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे फोर्टी नाइन डेज तक इन्होंने मेडिटेशन किया और फाइनली उनको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल गया जो ये ढूंढ रहे थे ये इनको पता चल गया कि ह्यूमंस की जो सफरिंग है ह्यूमंस की जो दुख है उसका कारण क्या है एट द एज ऑफ थर्टी फाइव ईयर्स सिद्धार्थ अचीव एनलाइटमेंट और पैंतीस साल की एज में इनको एनलाइटमेंट मतलब इनको ज्ञान मिल गया एंड ही बिकेम बुद्ध और द एनलाइटेड वन और उसके बाद ये बुद्ध बन गए टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म तो आफ्टर रिटेनिंग एनलाइटमेंट गौतम बुद्ध गेव हिस्ट फर्स्ट सरमन एट सारनाथ वेयर ही प्रीच द फोर नोबल ट्रुथ और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने सारनाथ में अपने फोर नोबल ट्रुथ्स चार अटल सत्यों के बारे में लोगों को बताया द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो मिजरी एंड सफरिंग तो चार सत्य थे कि सारा संसार दुख सफरिंग्स और मिजरी से मतलब परेशानियों से भरा हुआ है सफरिंग हैज़ अ कॉज सफरिंग का कारण होता है डिज़ायर इज अ मेन कॉज ऑफ सफरिंग और इच्छाएं सफरिंग का मुख्य कारण है सफरिंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिमूविंग डिज़ायर और सफरिंग्स को अपनी परेशानियों को अपने दुख को दूर किया जा सकता है इच्छाओं को खत्म करके एलॉन्ग विद द फोर नोबल ट्रूथ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इंक्लूड द एट फोल्ड पाथ और चार अटल सत्यों के अलावा बुद्ध इंक्लूड बुद्ध ने इंक्लूड किया एट ओल्ड फाथ पाथ विच इज़ ऑल्सो नोन एज द मिडिल पाथ इन्होंने एक मिडिल पाथ बताया बाई प्रैक्टिसिंग द दिनट्स गिवेन इन द एट फोल्ड पाथ और जो एट फोल्ड पाथ के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं उससे लोग अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं और वो हैं राइट स्पीच राइट एक्शन राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट ऑब्जर्वेशन राइट मेडिटेशन राइट मेमोरी एंड राइट डिटर्मिनेशन बुद्ध जो हैं वो अहिंसा और नॉन वायलेंस में भी बिलीव करते थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे और किसी भी तरीके की जानवरों की बलि भी दी जाए ये इसका भी विरोध करते थे और अकॉर्डिंग टू बुद्धा सभी जो ह्यूमन्स हैं वो इक्वल हैं इसीलिए कास्ट सिस्टम पे बिलीव नहीं करते थे जो कि वैदिक पीरियड के दौरान लोगों के बीच मानी जाती थी कास्ट सिस्टम बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैव बीन मेंशन इन द सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ त्रिपित ऑल्सो नोन एज थ्री बास्केट्स और इनकी जो सेक्रेट टेक्स थी वो थी द त्रिपिटका आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स और इनके तीन पार्ट्स है सुत् पिटाका विन्यासा सॉरी विन्या पिटाका और अविधमा पिटाका जा, द जाटका जातका टेल्स मोर देन फाइव हंड्रेड इन नंबर्स जातका टेल्स जो हैं जातका कहानियाँ वो पाँच सौ से ज़्यादा हैं नंबर्स में और जिसमें बुद्ध कंटेन स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ एंड आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बुद्ध स्क्रिप्चर्स बुद्ध के जन्म से पहले की बहुत सारी कहानियाँ भी इसमें शामिल हैं संघास फॉर द नेक्स्ट फोर्टी फाइव ईयर्स गौतम बुद्ध वॉन्टेड अराउंड प्रीचिंग एंड लेड फाउंडेशन ऑफ बुद्धस्ट ऑर्डर ऑफ मॉन्ग्स और संघा अगले पैंतालीस साल तक गौतम बुद्ध इधर से उधर जा जाकर जो बुद्ध धर्म की टीचिंग्स थीं उनको लोगों तक पहुंचाते थे और संघ का निर्माण भी इन्होंने किया और संघ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था जो सभी को मानना होता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स वॉर एक्सपेक्टेड टू अनाउस द वर्ड एंड स्पेंड मोर ऑफ देअर टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन बुद्धिस्ट जो संत होते थे जो मॉन्क होते थे उनको उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था ये अपन, अपना ज्यादातर टाइम जो है वो प्रेयर और मेडिटेशन में बिताएंगे और संसार को त्याग देंगे बिल्कुल सिंस गौतम बुद्ध डिड नाट बिलीव इन कास्ट सिस्टम गौतम बुद्ध जो हैं वो कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे फ्रॉम डिस्ट्र कास्ट इन और इसीलिए जो संघ था वो बहुत डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटीज के लोगों से बना हुआ था द वर आल्सो नोन एज बिक्षुक्स मॉन्क्स को भिक्षुक्स भी बोला जाता था अप्राकृत वर्ड फॉर बैगर और ये एक प्राकृत शब्द है जो बैगर्स के लिए यूज़ किया जाता है द मॉन्स वर एक्सपेक्टेड टू सिंसियरली फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द संगस एंड डिवोट मोस्ट ऑफ देयर टाइम और जो भिक्षुक थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था ये अपना ज्यादातर समय मेडिटेशन और टीचिंग्स अपने आप को पाने के लिए खर्च करेंगे और लोगों का भला करेंगे वुमन्स वेर ऑल्सो वेलकम इन बुद्धिस संघास और वुमन्स भी बुद्धिस संघास में शामिल हो सकती थी स्प्रेड ऑफ बुद्धि बुद्धिज्म हैज इट्स फाउंडेशन इन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध तो बुद्ध धर्म की जो फाउंडेशन है या नींव है वो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स पर ही है हु इस हिज एंटायर लाइफ जिन्होंने अपनी पूरा जीवन बुद्ध धर्म को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने में लगाया ही गिव इज फर्स्ट सैरमन इन्होंने अपना पहला जो ज्ञान था वो सारनाथ में दिया फ्रॉम ही ट्रैवल टू डिफ़रेंट प्लेसेस और जह, यहीं से इन्होंने फिर दूसरी जगहों के लिए ट्रैवलिंग करी है पैंतालीस साल तक इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर बुद्ध धर्म का प्रचार किया और इन फोर हंड्रेड थ्री इनकी डेथ हो गई एट द एज ऑफ एट्टी अस्सी साल की एज में इन अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर कुशीनगर नाम की जगह पे विच हैड बीन आइडेंटिफाइड विथ काशिया स्मॉल विलेज इन डेओरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश काउंसिल्स व फॉर्म आफ्टर गौतम बुद्ध डेथ टू स्प्रेड बुद्ध उसके बाद काउंसिल्स के निर्माण किए गए जिससे बुद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके लाइक जैन बुद्ध ऑल्सो स्प्रेड इन टू टू अपोजिट सेक्स जैन धर्म की तरह बुद्ध धर्म भी दो सेक्स में बढ़ गया महायाना एंड हिनायाना दिन्याना बुद्धिस्ट फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड कंसीडर हिम एज टीचर वाइल महायाना बुद्धिस्ट वर्षिप बुद्धा एज अ गॉड तो हिन्याना बुद्धिस्ट जो थे वो बुद्ध के द्वारा दी गई टीचिंग्स को फॉलो करते थे और उन्हें एक टीचर मानते थे बल्कि और जो महायान थे वो बुद्ध को भगवान की तरह पूछते थे बुद्ध spread from northwestern frontier provinces to extreme south and included places like Amravati अमरावती एंड नागार्जुन due to efforts of kings like लाइक ये एशिया के बहुत बड़े पार्ट में फैल गया दैट इंक्लूडेड कंट्रीज और जिसके अंदर शामिल है चाइना वर्मा श्रीलंका एंड थाईलैंड बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड एम्पल प्रूफ ऑफ द popularity ऑफ बुद्ध बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर बताते हैं कि बुद्ध धर्म कितना पॉपुलर था बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर इज एसोसिएटेड विद डोम लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स जिन्हें हम स्तूपा बोलते हैं एंड अदर असेंशियल फीचर ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स आर द चैतन्यास है ना और श्राइन्स विच वर लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉल्स ऑफ प्रेयर जो कि एक चैत्यास जो थे वो एक लॉन्ग बहुत लंबे रेक्टेंगुलर हॉल्स थे जहाँ पर प्रेयर की जा सकती थी मोनेस्ट्रीज और बिहार्स तो जो बिहार्स थे ऑल्सो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर हैं द बिहार्स कंसिस्टेड एन ओपन कोर्ट यार्ड दैट वॉज सराउंडेड बाय ओपन सेल्स असेसिबल थ्रू द एंट्रेंस पोर्च। लार्ज साइट्स सच एज अजंता केवास अजंता केव्स औरंगाबाद केव्स करली केव्स कन्हेरी केव्स कंटेन सेवरल बिहार्स द जोकिंग टेम्पल इन तिबेट एंड हैंगिंग टेम्पल इन चाइना आर इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स आउटसाइड इंडिया द स्टूपा एट सारनाथ अलॉन्ग विदार्ज नंबर ऑफ मोनास्ट्रीज आर एविडेंस थ्रो एविडेंस फॉर द स्प्रेड एंड पॉपुलरिटी ऑफ बुद्धज्म विद इन इंडिया तो ये जो सारे आपको नाम दे रखे हैं ये सभी बहुत फेमस हैं बुद्ध लोगों के बीच में और ये सारी जगहें बताते हैं कि उस समय में बुद्ध जो धर्म था वो कितना फेमस था ओके okay, स्टूडेंट्स हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में चल चलद बाय